स्क्विड गेम के बाद पूरी दुनिया को पता है कि कोरियन वेब सीरीज के पास सभी को इम्प्रेस करने की ताकत है। द किंग ऑफ पिग्स एक ऐसी ही कोरियन सीरीज है जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया, और आज की इस वीडियो में मैं इसी अमेजिंग सीरीज की बात करूंगा। इस सीरीज के नाम को इग्नोर करते हुए अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो ये शुरू होती है एक औरत के मर्डर के साथ जिसे शायद उसके मिसिंग हस्बैंड ने मारा है। इस केस को एक मेल और फीमेल पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करते हैं और पता चलता है कि वो मिसिंग हस्बैंड दरअसल उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जोंग सुक का पुराना स्कूल फ्रेंड है और पिछले 20 सालों से वो मिले नहीं है। स्टोरी को धीरे धीरे रिवील करते हुए हमें बताया जाता है कि क्यूंग मिन और जोंग सुक स्कूल डेज में काफी अच्छे दोस्त थे और उन्हें स्कूल में काफी ज्यादा बुली किया जाता था। स्कूल अथॉरिटीज इस बात को इग्नोर करते थे क्योंकि बुली करने वाले लड़के अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थे और ये बुलिंग उन्हें काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। प्रेजेंट में जोंग सुक एक पुलिस ऑफिसर है और क्यूंग मिन अचानक अपने स्कूल बुलीज का मर्डर करना शुरू करता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट ये है कि इन दो स्टूडेंट्स का स्कूल में एक तीसरा दोस्त था चुल, जो कि अकेले ही सारे बुलीज को पीट देता था। और आखिर चुल अब कहाँ है, क्यूंग मिन अचानक क्यों बदला ले रहा है, और स्कूल डेज में ऐसा क्या हुआ था कि ये दो दोस्त 20 सालों से नहीं मिले हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आपको ये सीरीज चेकआउट करना होगा। पूरी कहानी को काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। क्रोनोलॉजी को फॉलो ना करते हुए फ्लैशबैक्स के थ्रू कहानी दिखाने का फैसला काफी बढ़िया है। मतलब आप हर एपिसोड में इसी चीज का इंतजार करोगे कि कब फ्लैशबैक सीक्वेंसेस आएंगे और हमें कैरेक्टर्स के पास्ट के बारे में पता चलेगा। सीरीज में सभी एक्टर्स टॉप नॉच हैं। हालांकि कोरियन सीरीज होने की वजह से मुझे कैरेक्टर्स के नाम उतने याद नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा सीरीज में इंटरेस्ट बना रहा। थोड़ी बहुत बैकग्राउंड रिसर्च करने पर पता चला कि ये सीरीज इसके डायरेक्टर यॉन सैंग हो के हाई स्कूल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, और कोरियन स्कूल्स में रैगिंग और बुलिंग काफी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। इससे पहले वो ईयर 2011 में इसी सेम नाम की एक एनिमेटेड फिल्म बना चुके हैं, और इस फिल्म की सक्सेस की वजह से ही इसके लाइव एक्शन सीरीज को बनाया गया। इस सीरीज का जो नाम है द किंग ऑफ पिग्स, इसकी फिलोसॉफी को भी सीरीज में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं उसे उतना क्लियरली समझ नहीं पाया। सीरीज के माइनर प्रॉब्लम्स की बात करें तो पहले एक दो एपिसोड्स में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, और कैरेक्टर्स के नाम तो मुझे अभी तक याद नहीं है। इसके अलावा इसमें 12 एपिसोड्स हैं, 40-50 मिनट्स लॉन्ग, और शुरुआती एपिसोड्स छोड़कर मुझे इसकी पेसिंग काफी सही लगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद ये स्लो हो सकती है। आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देख सकते हो, जो कि गुड इनफ है, और इस सीरीज की स्टोरी भी कंप्लीट है। ओवरऑल द किंग ऑफ पिग्स स्कूल बुलिंग और उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स पर बनी काफी सही वेब सीरीज है। इस मेन पॉइंट के अलावा स्कूल में अथॉरिटीज का बिहेवियर, अपर क्लास और लोअर क्लास लोगों का डिफरेंस, उनके प्रिविलेजेस, प्रॉब्लम्स, इन सभी चीजों को ये सीरीज काफी अच्छे से हैंडल करती है। सीरीज 18 प्लस है इसमें दिखाए गए वॉयलेंस की वजह से। इसकी एंडिंग भी कोई टिपिकल एंडिंग नहीं है, और मैंने इस एंडिंग को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। ये सीरीज अपना मैसेज भी डिलीवर करने में कामयाब होती है, इसलिए अगर आप एक सीरियस 18 प्लस सीरियल मर्डर टाइप सीरीज देखना चाहते हो तो आपको द किंग ऑफ पिग्स को जरूर देखना चाहिए। अगर आपने द किंग ऑफ पिग्स देखी है तो मुझे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप एक ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स पर बनी कोरियन सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए।